आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में, मैं एक एक दिन में आठ आठ दस दस सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे दो ढाई साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन, और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ।